हाई गाइज इट्स वांगी वेलकम टू माई चैनल सो बाई नाउ आपको पता चल चुका होगा वीडियो की टाइटल से कि इस वीडियो में क्या होने वाला है बट आई एम स्टिल्स गोवा में कौन फन नहीं करता जो नहीं करता उसको गोवा नहीं जाना चाहिए और कुछ बकवास बेसिकली दोस्ट ऑफ यू हुट नो मी आई एम अउंटेन गर्ल याद है मैं बचपन से जब भी समर वेकेशन होती थी मेरे पेरेंट्स मुझे उत्तराचल लेके जाते थे हम अपने होम टाउन जाते थे बचपन से सिर्फ माउंटेन्स देखे हैं बीचेस देखे ही नहीं ऐसा लगता है इसीलिए मेको बीचेस बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं कॉमन ऑन बिलो इफ यू आर अटेन और अ बीच पर्सन आई वु टू नो Also, guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. It really means a lot to me. And I know you a lot of in creating videos in these videos. So, all you can do is subscribe to my channel, share it with your friends, comment down below, like, and do. Thank you. So, now we can finally proceed with our painting. Today, I am using this canvas pad which I bought from Amazon, and this costed me somewhere around 250 rupees. And I feel it is a very good buy because 250 rupees may have 10 canvas sheets, which is amazing. So, yes. Um, okay, so in this video you will see this mehendi on me, which has half gone, but it is half there. Anyway, there is no other option, we'll have to deal with it. So now I will quickly hold my pencil and I'll start sketching. Basically, मैं sketch तो नहीं करी मैंने एक line draw कर दी है differentiating between the sky and the sea. So guys, paint start करने से पहले मैं white acrylic coat add करूँगी because I feel this step is most important step and usually क्या होता है हम लोग इस step को miss कर देते हैं तो क्या होता है जब हम sky बनाते हैं उसमें blue and yellow का जब हम combination करते हैं तो बीच में green patch आ जाता है री ऑड उस चीज को अवॉइड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट की हम बेस में सबसे पहले व्हाइट एक्रेलिक पेंट लगाए कलर भी मैंने अप्लाई कर दिया है नाव आई एम अप्लाइंग येलो कलर आई एम यूजिंग फ्लैट ब्रश फ्लैट ब्रश स्काई के लिए बेस्ट रहता है क्यूकी हम चाहते हैं की इवनली हमारा स्काई स्टैंड आउट करे इवनली अपियर हो इसीलिए यहाँ पे राउंड ब्रश से बिल्कुल मत करना no. स माई स्काई इज डन आई प्रोसीड विद इट एंड सी में भी मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगी मैं बेस में सबसे पहले व्हाइट एक्रेलिक पेंट को लगाऊंगी तो नाउ एज यू कैन सी मैंने डायरेक्टली बस ब्लू को यूज किया एंड आई स्टार्टेड मिक्सिंग एट द टेक्निक इज वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू मर्ज इट इट्स नॉट ए नॉर्मल पेपर जो कि फट जाए ये कैनवस है आप इसमें कितने भी कोट्स कर सकते हैं जितनी देर तक चाहे उसे मर्ज कर सकते हैं <laughs> that will not be an issue. Look at this. It is looking very beautiful. मैं खुद भी first time एक beach painting कर रही हूँ हालांकि मैंने बचपन में when I was in fourth standard मैंने एक beach painting करी थी और 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 Let me know in the comment section below if you want to see it. I'll definitely share it with you. But of course, it wasn't that great. But अगर आपको मेरी journey देखनी है तो I'll be more than happy to share it with you guys. सो इफ़ यू हैव नोटिस टिल नाओ मैंने सारे प्राइमरी कलर्स को डायरेक्टली यूज़ किया है बट सैन को डिपिक्ट करने के लिए मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सैन बना रही हूँ सो हैव यूज येलो वाइट रेड अ बिट ऑफ ब्लैक टू मेक दिस कलर एंड लुक एट दिस इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल एंड नाओ फाइनली आर बेस इज डन आई प्रोसीड विद द सेकेंड स्टेज नाउ आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट Till Now, and if you are still there, don't forget to subscribe to my channel, comment on below, and like this video, it really means a lot to me. So, yes, now I am mixing colors to make clouds, and this is the tricky part. So, yes, the kind of technique I am using here is by dabbing the paintbrush, but I'm using a small tip round brush. Uh, जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल टिप ही यूज़ करें आप थोड़ा बड़ा टिप का भी यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट डूइंग इट आई हैव एवमर्ज वाइट ब्ल्यू एंड अ बिट ऑफ रेड कलर टू गेट दिस कलर एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी रियली नाइस एंड दिस टेक्निक मैं खुद से ये टेक्निक फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेन वाइल डोंट गेट टू एड येलो क्लाउड्स एज वेल येलो ऑरेंज क्लाउड्स एज वेल बिकॉज अपर हाफ में ब्लू टोन के क्लाउड्स ज्यादा होंगे एंड लोअर हाफ में थोड़े ऑरेंजिश येलोइ क्लाउड्स होंगे सो यस आई एम फॉलोइंग दैट थिंग ओवर योर एंड दैट इज हाउ आई कम्पलीटेड सो इन दिस वीडियो आई लिटरली ट्राइड कि मैं हर टेक्निक और हर प्रोसेस को अच्छे से ब्रेक डाउन करूँ सो दैट इट्स इजी ऑफ यू गाइज टू रिक्रिएट एंड अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस एंड नाउ कम्स दी सी पार्ट मैं उसमें भी अब स्मॉल टिप राउंड ब्रश से या आप कोई फ्लैट ब्रश से भी वेव्स बना सकते हैं हल्की हल्की सोफो वेव्स आई एम नॉट यूजिंग डायरेक्टली ओ वाइट कलर मैं वाइट के साथ थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स कर रही हूँ सो येस लुक एट दिस दिस इज़ सो ईजी मैंने एक छोटे छोटे डिस्ट्रॉडेड ट्राइंगल्स बनाए हैं बिकॉज ये नेचुरल फॉर्म्स होती हैं इसीलिए यू कैन नेवर गो रॉन्ग अगर आपका थोड़ा उन्नीस बीस भी हो जाता है इट लुक्स फाइन इट लुक्स नेचुरल तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर नेचर आप कभी भी गलत नहीं बना सकते कुछ अब मैं वेव्स को दिखाने के लिए यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से डैप करते हुए उनको डिपेक्ट कर रही हूँ एंड आई थिंक अभी के लिए बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस बट दिस टेक्निक इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी एंड आई एम श्योर इट इज़ ग वर्क फॉर यू गाइज एज़ वेल बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इवन आई एम ट्राइंग दिस आउट वंस आई एम डन विद दैट आई वोंट फोगेट टू पेंट दी शेडोज बिकॉज शेडोज से वो रियलिस्टिक इफेक्ट आता है लाइट एंड शेडो से बहुत फ़र्क पड़ता है गाइज पेंटिंग में एंड यू शुड नेवर मिस इट क्योंकि पेंट फिल तो कोई भी कर देता है बट लाइट एंड शेडो इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट जिससे जो भी पेंटिंग होती है उसमें ज्यादा लाइफ निकल के आती है सो या आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय वेव्स एज वेल एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी वंस ऑल ऑफ दिस इज डन आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ माउंटेन जिससे कि थोड़ा और एलिमेंट्स ऐड हो जाएं, में, क्योंकि मुझे अप्लाई किया है एंड देन उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया है फॉर शेडोज एंड वंस दैट इज डन आई क्रिएट सम कोकोनट ट्रीज कोकोनट ट्रीज भी आप देख सकते हो बहुत ही ईजी होते हैं क्रिएट करना आई थॉट ऑफ इवन एडिंग फ्यू बर्ड्स ओवर योर लुक एट दिस ये छोटे छोटे एलिमेंट्स छोटी छोटी डिटेल्स पेंटिंग को कितना ज्यादा ब्यूटिफुल बनाते हैं एंड देन आई थॉट ऑफ वाई नॉट एडिंग अ कोकोनट ट्री सो यस लुक एट दिस एंड कोकोनट ट्रीज को बनाना सुपर इजी होता है एंड मैं सिर्फ ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ यहाँ पे टू क्रिएट दिस कोकोनट ट्री सो सिमिलरली द वे आई हैव क्रिएटेड दिस कोकोनेट ट्री आई थॉट ऑफ एडिंग another one. Isko company dene ke liye. Now I have two coconut trees. I am in love with this composition. And lastly, I thought of adding one more bird over here. And oh my God, look at this beauty. This looks beautiful, and बहुत अच्छा लग रहा है. अब मुझे लग रहा है कि मैं से रोज़ देख-देख के अपने गोवा डेज़ को याद करती रहूँगी. Also guys, if you are planning to recreate this painting, don't forget to tag me or share it with me on my Instagram handle which is shivangi.sa I would love to see your paintings. Additionally, if you are not on Instagram, no problem, you can mail me, I would love to see it and I will definitely reply you back. So yeah, thank you so much.